कहते हैं एशिया में भगवान बुद्ध के असली और लंबे मुजस्मे बयान कंदार में थे, जिनको कहीं साल कबूल तालिबान ने तोड़ दिया। इसके बाद इन्हीं मुजस्मों से मिलते जुलते दो अहम मुजस्मे करगिल के शंकु और अपति में हैं, जिनकी देखभाल शंकु और अपति के मुकामी मुसलमान करते हैं। बदकस्मती ये है कि इन असली मुजस्मों को अभी तक सूबाई, मुकामी या बैनुल अक्वामी सतह में कोई पहचान नहीं है। गर्चे महकमे सियाहत ने अपने छोटे किताब जिसमें छपाया है जो सिर्फ खाना पूरी हो सकता है, इस काम में भी सरहद के तहफ़ करने वाले फौजी नौजवानों ने अहम किरदार निभाया। अपति में मौजूद 153 आरटी यूनिट के अहलकारों ने भगवान बुद्ध के इस मुजस्मे को उजागर करने और सियाहत में लाने की एक अहम कोशिश की है। याद रहे 8 माउंटेन डिवीजन करगिल की 153 यूनिट सोत इलाके में तालीम, सखाफत और तमद्दुन को बढ़ाने के लिए दिन रात कोशिश करती है। इस कोशिश के एक हिस्से के तहत अपति गांव में तैनात 153 यूनिट ने बुद्ध पेशवा के रिंपोचे लामा ग्युरफिल को मदु किया। रिंपोचे लामा ग्युरफिल का ताल्लुक बुद्ध खरबू करगिल से है, जो आला बुद्ध लामाओं में शुमार होता है। रिंपोचे ग्युरफिल आर्यन बेल्ट, ब्यामा, गरकून, दर्चिक्स, बटालिक से होते होते अपति पूछे, जहां फौज की 153 यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर और इनके अहलकारों ने इनका इस्तकबाल लोकल शहनाई और जदीद दौर की मौसीकी से किया। चंद लम्हे फौज के साथ गुजारने के बाद तवारीखी मुजस्मे अपति में पहली बार रिंपोचे ग्युरफिल ने कहीं लामाओं के साथ पूजा किया, जहां कहीं मुकामी मुसलमानों ने भी हिस्सा लिया। जहां दुनिया भर में दंगे फसाद और आपसी झगड़े का दौर चल रहा है, वहीं अपति की ये पूजा कौमी यकजहती और आपसी भाईचारे का एक मिसाल है। पूजा के बाद तमाम मेहमानों को 153 यूनिट के कलाकारों ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम के साथ साथ तयाम व क़याम का भी इंतज़ाम किया। करगिल के सोत इलाके में बुद्ध मुसलमान एतिहाद के लिए 153 यूनिट ने जो राह दिखाया, इसे तवारीख के सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। Oh, Jesus, 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 o